मंदसौर की कृषि उपज मंडी में उस समय हंगामा हो गया जब यहाँ प्याज की नीलामी चल रही थी। जो प्याज दो रोज पहले तक 4 से 4,500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, वही प्याज आज अचानक 1,500 से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिका। इसी को लेकर किसान आक्रोशित हो गया। किसानों ने कृषि मंडी के गेट पर ताला जड़ दिया। व्यापारियों की मिलीभगत के कारण प्याज के दाम कम होने के आरोप किसानों ने लगाए हैं। हंगामा शांत करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी, मंडी सचिव, तहसीलदार और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। किसानों को समझाइश दी गई, तब जाकर किसान शांत हुए और मंडी के गेट पर ताला लगा खोला गया। जो माल 4,000 कल बिका था ना, आज वो 2,000 में, जो कल 3,000 बिका आज वो 1,500 में। डायरेक्ट हमारा कहना ये किसानों का है कि भैया एक घंटे में हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी मंडियों से आपके पास परमिशन आ गई, ऑनलाइन भाव आ गया, डायरेक्ट आधा हो गया। इसलिए हम किसानों ने उसका विरोध किया, हमने रोड पे जाम लगाया, हमने कहा किसानों का हमारा निर्णय था कि हमारा माल भी नहीं बिकेगा और व्यापारियों का माल भी मंडी से बाहर नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे मंडी के गेट पे धरना लगाया। ऐसा क्या है कि अभी जो है व्यापारियों की बैठक हुई हमारी माननीय तहसीलदार महोदय से और यही हिसाब से हमने सबसे बैठक करी, व्यापारी से बैठक करी, हमालों को इसको व्यापारी समझाई दी गई है कि मतलब ऐसा नहीं होगा, जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी के हिसाब से भाव दीजिए, ताकि सब जगह अनुमानित यही भाव चल रहा है, तो किसी भी प्रकार का जो उनको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो नहीं होने दिया जाएगा और गुणवत्ता के अनुसार ही भाव उनको दिया जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों ने यह आरोप लगाया है कि व्यापारियों की मिली भगत साफ तौर पर देखी जा सकती है और भाव को ऊपर नीचे कर देते हैं लोग। आज ही उनका ये कहना था कि उन्होंने मीटिंग करी व्यापारियों ने, उसके बाद भाव एकदम से कम हो गया, बट वो उनकी बात हो गई है, व्यापारियों से भी बात हो गई है और किसानों से भी बात हो गई है। कुछ देर के लिए मंडी बंद की गई थी मौसम को देखते हुए, पर वापस कार्य चालू करवा दिया गया। सरदार